सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल यंगर एज में। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ICICI बैंक PO जो है 2018 and 2019 उसकी जो 42 and 43 बैच का जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा लेट बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, क्योंकि मैंने अभी ये भी देखा फ्रेंड्स। तो जो 41 वाली बैच थी, ठीक है, जो 41 वाली जो बैच थी उसका तो काम हो चुका है फ्रेंड्स, उनका काम हो चुका है, उनकी मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अभी जो 42 और 43 का जो बैच है जो 2018-19 में होने वाला है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप में से बहुत लोगों ने इसे अप्लाई किया होगा फ्रेंड्स, इसे अप्लाई करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं किया होगा उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ फ्रेंड्स। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसको अप्लाई किया होगा, और नहीं किया होगा तो चलिए मैं फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है और एक क्या क्या चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेट कीजिए, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपना गूगल क्रोम खोल लीजिए, उसमें मैं आपको बताता हूँ आपको टाइप क्या करना है। देखिए ICICI career.com, ठीक है, ये आपको साइट सर्च करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, ठीक है, देख लीजिए इस ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको जो ये दिख रहा है सर्च एंड अप्लाई, ठीक है, सर्च एंड अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्च एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे तो जो करंट ओपनिंग है, जो भी करंट वैकेंसीज है, जो भी है वो आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद में आपको कहाँ क्लिक करना है, देखिए इसके बाद में जो नेक्स्ट लिखा है, ये देखिए नीचे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो देखिए आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा, ये देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बैच 42 and 43, ठीक है, ये भी शुरू है फ्रेंड्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग PGDB प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव फॉर ICICI बैंक इन पार्टनरशिप विद मणिपाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका, देखिए फर्स्ट टर्म में क्या होगा, 4 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग एट IIM अहमदाबाद बेंगलुरु में होगा, ठीक है। उसके बाद 2 मंथ्स का इंटर्नशिप ICICI बैंक में होगा। फिर थर्ड टर्म में क्या होगा, 2 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग होगा IIM बेंगलुरु में, ठीक है। और फोर्थ टर्म में क्या होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एट ICICI बैंक, ठीक है, ऐसे 4 टर्म में होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 55% एग्रीगेट मार्क इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, अप टू 25 ईयर एज एज ऑन 31 December 2017, मतलब 25 साल की ही एज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अबो विल बी कंसिडर एज द थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, ये जो है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जैसे ही आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करोगे, नीचे अप्लाई हेयर दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है, इस पे जैसे ही आपको क्लिक करोगे तो आपके पास सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपको लॉगिन करना है या साइन अप करना है जो, तो उसमें आप डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है अपने अपलोड कर दीजिएगा, तो आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले इसके बैच 41 में अगर आपने इसमें रजिस्टर किया होगा, तो आप बस लॉगिन प्ले क्लिक करके आप उस पर जाके, अगर जैसा लॉगिन आप क्लिक करोगे यहाँ पे लॉगिन में, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जैसे ही अप्लाई हियर पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म जो है अप्लाइड ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको उसमें कुछ डॉक्यूमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू यूज़र हो, तो आप न्यू यूज़र हो तो आप पहले अपना अकाउंट बनाओगे, उसके बाद में यहाँ आके अप्लाई करोगे, अपने जो रिज्यूम वगैरह टोटल आपको डालना पड़ेगा, बहुत सारा इसमें डालना पड़ता है, तो फ्रेंड्स आप यहां डाल के अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया होगा तो, और कुछ कमेंट होगा तो करना अपने डाउट वगैरह, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना फ्रेंड्स।